जब भी हमने ड्रैगन बॉल्स का यूज होते हुए देखा है तो सबसे ज्यादा विश ड्रैगन बॉल्स से यही मांगी गई है कि किसी को रिवाइव कर दो। हम जब भी गोकू और वेजिटा की बैक स्टोरी के बारे में सोचते हैं तो हमें बहुत बुरा फील होता है और लगता है कि काश ये दोनों अपने पेरेंट्स को रिवाइव कर ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसका एक रीजन भी है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गोकू और वेजिटा ने अपने पेरेंट्स को क्यों रिवाइव नहीं किया है। तो दोस्तों, आपको मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और दोस्तों, आज की वीडियो का लाइक एम है वो है 1K लाइक्स का। तो दोस्तों, इस लाइक एम को पूरा कर देना और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके दबा के शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं ड्रैगन बॉल से रिलेटेड चीजें लाता रहूं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब बारडॉक ने गोकू को अर्थ पे भेजा था तब गोकू बहुत छोटा था और वो कुछ याद नहीं रख सकता था, लेकिन उसे पता था कि वो अपने माँ बाप से बिछड़ने जा रहा है। लेकिन अर्थ पे आने के बाद गोकू के सर पे चोट लगने के कारण उसे अपने पास्ट का थोड़ा बहुत भी जो याद था वो भी उसके दिमाग में नहीं रहा। लेकिन गोकू अब एक बार रिवाइव हो चुका है तो पॉसिबली उसकी पुरानी यादें वापस आ चुकी होगी, लेकिन तब भी वो अपने पेरेंट्स को रिवाइव नहीं करेगा। गोकू के मन में सेंस के लिए बहुत बुरी इमेज बन चुकी है। पहले रेडिट्स, फिर वेजिटा ने जब अर्थ पे हमला, तो उनकी ऐसी हरकतों के वजह से उसे सेयंस बुरे लगने लगे कि वो अपने मतलब के लिए ये धरती के लोगों को मार के धरती पे राज करना चाहते हैं। उसको खुद को भी एक सेयन एक्सेप्ट करने में शर्म आती थी। और दूसरी बात, ड्रैगन बॉल जी की फ्रीजा आर्क में फ्रीजा जब गोकू को देखता है तो फ्रीजा गोकू को कहता है कि तुम बिल्कुल अपने फादर बारडॉक जैसे लग रहे हो। लेकिन गोकू उसको ये जवाब देता है, मुझे कोई परवाह नहीं है। जैसे कि दोस्तों, आप ये क्लिप देख सकते हो। I don't care. और ड्रैगन बॉल की सीरीज में आज तक गोकू ने बारडॉक के द्वारा इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। वो हमेशा ग्रैंडपा गोहान, मास्टर रोशी, क्रिलिन, इन सभी को वो अपना परिवार मानता है। और आज गोकू जो भी है, साफ दिल से लेके कड़ी ट्रेनिंग करने वाला, वो सब अपने ग्रैंडपा गोहान की वजह से है, क्योंकि ग्रैंडपा गोहान भी एक साफ दिल के इंसान थे और उन्होंने गोकू को एक अच्छी परवरिश दी थी। लेकिन अगर वही बारडॉक की बात करे या फिर किसी भी ओल्ड सेयंस की, तो वो बस बुरी सोच के हुआ करते थे। वो बस दूसरों को मार के धरती बेचा करते थे। वो बस अपने बच्चों को दूसरों को मार के धरती बेचना ये सिखाते, उनको एक अच्छी परवरिश नहीं मिलती। और इसी वजह से जो रेडिट था वो भी एक बुरा इंसान था। जैसे कि आप पैरागस, जो कि ब्रोली का फादर है, उसका भी एग्जांपल ले सकते हो। उसकी बुरी सोच के वजह से ब्रोली बुरा बना, ब्रोली एक अच्छा इंसान बन गया। और अगर गोकू शुरू से बारडॉक के साथ रहता और भी बुरे सेंस के साथ रहता तो वो भी कुछ रेडिट्स जैसा बुरा सेन होता। तो अब ऐसे में अगर वो अपने पापा को रिवाइव करता है तो जाहिर सी बात है कि वो पुरानी सेंस की सोच के ही होंगे और नए सेंस को देख के सह नहीं पाएंगे कि कोई सेयन प्राइड के खिलाफ जाए, जैसे पहले वेजिटा था। और मानता हूँ कि वो एक बार रिवाइव हो जाए तो वो धीरे धीरे सब समझेगा, लेकिन फिर भी गोकू को इतनी अटैचमेंट नहीं है क्योंकि वो बचपन में ही अपने पेरेंट्स से अलग हो गया था। अब आते हैं वेजिटा पे। अगर बात वेजिटा की आए कि उसने क्यों नहीं किया रिवाइव किंग वेजिटा को, तो बात ये है कि वेजिटा बचपन से ही सबसे ताकतवर किंग बनना चाहता था, बट उसके पापा यानी किंग वेजिटा हमेशा उसे बोलते थे कि तुम किंग बनने से पहले फ्रीजा को हराओगे और उसे बार बार कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के लिए भेज देते थे। और वेजिटा की संगत भी खराब थी। एक प्रिंस होने के कारण उसने स्ट्रगल कभी नहीं सीखा है। उसने जो चाहा उसे वो मिला, इसलिए उसे कभी किंग वेजिटा के लिए प्यार महसूस नहीं हुआ है। जब वेजिटा 5-6 साल का था तब वो रेडिट्स के साथ एक प्लेनेट पे ट्रेनिंग कर रहा था और उसी दौरान फ्रीजा ने प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जब नापा ने बोला कि किंग वेजिटा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो चुका है और सभी लोग मारे गए, तब वेजिटा कहता है, अरे अब मैं कभी किंग वेजिटा नहीं बन पाऊं। और वेजिटा इतने
में ही ये जाहिर कर देता है कि उसे अपने परिवार की चिंता नहीं है। लेकिन जब वेजिटा बड़ा हुआ तो उसे रियलाइज हुआ कि उसके पापा सही थे और फ्रीजा को मारने के लिए सही कहते थे। लेकिन अब अगर वेजिटा किंग वेजिटा को रिवाइव करता है तो वो भी पुरानी सोच के होंगे और बुलमा और उसके बच्चों के लिए परवाह करना किंग वेजिटा को बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये थे मेरे थॉट्स कि गोकू और वेजिटा ने अपने पेरेंट्स को रिवाइव नहीं करा है। तो दोस्तों आज की वीडियो थी यहाँ तक। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि आपको क्या लगता है कि गोकू और वेजिटा अपने पेरेंट्स को रिवाइव करेंगे या नहीं, और आपकी कुछ भी थ्योरी हो मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर भर के बताना। मुझे आपकी थ्योरीज पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों कमेंट जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पे 1K लाइक्स का एम पूरा कर देना, और साथ ही साथ इस वीडियो को दबा के शेयर मार देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि मैं ड्रैगन बॉल से रिलेटेड चीजें लाता रहूं। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय।